बियानोला कॉफी शॉप पर आया हुआ है ईस्टर्न प्रोविंस का कॉफी मेकर स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग यासीन, और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग के साथ। आज के इस ब्लॉग में दो काम जो है बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं। सबसे पहला तो हम लेबर वालों को बांटेंगे पानी, और उसके बाद और दूसरा काम ये कि बियानोला कॉफी शॉप पर आया हुआ है ईस्टर्न प्रोविंस का कॉफी मेकर स्पेशलिस्ट। जैसे कि हफ्ते में 5 दिन तो मैं बियानोला से कॉफी पीता हूँ, बाकी 2 दिन जो है कहीं और से ट्राई करता हूँ। तो आज बियानोला पे कॉफी ट्राई करना है, और वहां से जाके जो है आज कॉफी बनवानी है उसके हाथ कि वो कॉफी कैसी बनाएगा कैसी नहीं। तो आज वहाँ जाके जो है फुल वीडियो बनानी है वो कैसी कॉफी बनाएगा कैसी नहीं। वैसे यहाँ पे अलाउ तो नहीं है कॉफी शॉप के अंदर वीडियो बनाने का, क्योंकि दिस इज सऊदी अरबिया बेबी और धूप बहुत ज्यादा तेज हो रही है। लेकिन मैंने उनसे एक बार कहा तो वो मान गए, क्योंकि हफ्ते में 5 दिन आपका भाई जो है बियानोला से कॉफी पीता है इसलिए। तो चलिए देर ना करते हुए यहाँ से चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह साथियों, अभी पानी वगैरह बांट के जो है हम फ्री हो गए हैं, और मगरिब की नमाज भी अदा कर ली है। अभी मेरा प्लान है कि कुर्सी और टेबल जो है बाहर डाली जाए, क्योंकि आज हवा काफी अच्छी चल रही है। तो अभी जो है कुर्सी और टेबल बाहर डालेंगे, लेकिन बाहर डालने से पहले जो है मेरी कॉफी ऐसी की ऐसी रखी है। और आज मैंने इतने अच्छे स्पेशलिस्ट कॉफी मेकर से कॉफी बनवाई और उसका जो है टेस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि पानी बांट रहा था तो जो है कॉफी ऐसी की ऐसी रखी। तो मैं सोच रहा हूँ इसका टेस्ट कर लें, क्योंकि ये काफी ठंडी हो चुकी है, काफी देर हो गई मुझे। आज की कॉफी काफी अच्छी है, बट ये है कि ज्यादा हार्ड बनी हुई नहीं है, अच्छी है, मतलब बॉइलिंग भी ज्यादा नहीं है तो बेहतर है। तो आई थिंक आज की कॉफी का टेस्ट जो है काफी अच्छा है। अभी जो सोच रहा हूँ कि टेबल और कुर्सी बाहर डाल लें, क्योंकि काफी अच्छा मौसम हो रहा है, तो बाहर थोड़ा एंजॉय करते हैं।
तो इनकी माँ की ना की साका साले पता नहीं कैसा कैसा पार्किंग लगा देते हैं। ये देखो ये वाली क्लिप यार, इतना दिमाग खराब होता है यहाँ पे पार्किंग जो ये लोग लगा देते हैं आधे आधे करके बीच में, यानी एक गाड़ी और आनी है यहाँ पे, तो ये उल्टी सीधी कहीं भी पार्किंग लगाते हैं। अभी इनको रुख्सत देता कौन है ये तो बताओ, ये लाइसेंस पास करता कौन है समझ नहीं आता। अरे यार दूसरा भी लगा सकता है, दो गाड़ियों की पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी कर देते हैं, और ये इतना मुश्किल पड़ता है यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो खैर मुझे जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और ज्यादातर ये जो है अरबी लोग करते हैं, ये उल्टी सीधी पार्किंग कर देते हैं और कहीं भी, और दिक्कत पड़ती है हम जैसों को, तो बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ता है यार। इसकी वजह से आधा आधा घंटा बाहर जो है रुकना पड़ता। खैर बहुत दूर पार्क करके आया हूँ अभी, और आ गया हूँ मैं अपने रूम पर, और सिम सिम खुल जा और सिम सिम जल जा। और आते आते क्या है कि नुकसान भी हो गया, ये वाला जो है ट्राइपॉड ये टूट गया। दरअसल क्या है कि जैसे कहीं मुझे मौका नहीं मिलता था ये वाला ट्राइपॉड ले जाने के लिए, जिसमें माइक होल्ड किया हुआ है अभी, तो ये मैं छोटा ले जा करता था कहीं भी हैंग करके जेब में या फिर बेल्ट में हैंग करके ये ले जा करता था, लेकिन ये आज टूट गया। इसको भी एडजस्ट किया था, ये बहुत ज्यादा ढीला था, लग नहीं लग रहा था, तो ये जो है बहुत छोटा था, कहीं भी लेके चले जाओ किसी भी कॉफी शॉप में या फिर मकान वगैरह में लेके चला जाया करता था, तो ये अच्छा था। तो ये जो है आज टूट गया, ये थोड़ा मैं नीचे कर रहा था मोबाइल पकड़ कर, ये टूट गया, तो ये नुकसान हो गया। खैर नो प्रॉब्लम। और बाकी तो अभी कुछ भी नहीं है, कोई टॉपिक भी नहीं है, क्योंकि अभी मुझे करना है रेस्ट, सुबह को है ड्यूटी हॉस्पिटल की, तो सुबह जो है जल्दी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार की तरह नहीं पार्किंग नहीं मिल रही थी, तो अभी मुझे जाना है वॉशरूम, तो इसलिए ये वाला ब्लॉग करेंगे हम यहाँ पे एंड। मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सब्बा खैर, शुभरात्रि, मस्सलाम।